अग्रवाला, मेरी ननकाना से मोहब्बत हमेशा, मैं उसका तذکرہ करता हूँ, कुछ दोस्त हैं जिनका ताल्लुक ननकाना से है और ननकाना से मोहब्बत की वजह बाबा गुरु नानक भी है। ननकाना से मोहब्बत यहाँ के लोगों की बहादुरी भी है। ननकाना से मोहब्बत इस मिट्टी में जितना पोटेंशियल है, यहाँ के लोगों में जितना पोटेंशियल, मैं उसका भी हमेशा मोतरफ रहता हूँ। ननकाना में आज मेरा विजिट भी महीने डेढ़ पहले मैं आया था, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने मेरा एक लेक्चर करवाया था, मुझे नहीं खबर थी, कुदरत ने मुझे दोबारा यहाँ पर ला खड़ा करना है और मैं आज यहाँ मौजूद हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। तो आज की जो मेरी गुफ्तगू है वो इकबाल के एक शेर से जुड़ती है और वो शेर यहीं लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, देखेंगे तो कोने पे शेर लिखा हुआ। ज़माने तालिब इल्मी में मेरी जो कह लीजिए एक फिक्री, एक इंक्लिनेशन और फिक्री मोहब्बत जो थी वो इकबाल के से बन गई और इकबाल से ये मोहब्बत चलते चलते आज तक कायम दायम है। और मैं इसे अपना बहुत बड़ा फिक्री असासा समझता हूँ कि मेरे अफकार में, मेरी सोच में, जहाँ मुझे बुल्ले शाह ने भी मुतासिर किया, जहाँ मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने मुझे बहुत मुतासिर किया, जहाँ सुल्तान बाऊ साहब के अशार भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है, वहाँ इकबाल मेरे लिए एक मुर्शद से कम नहीं है। उसकी फिक्र, उसकी सोच मेरे लिए हमेशा मेरे लिए रहबर रही, मेरी रहनुमा रही। और ये शेर जो यहाँ लिखा है, ये मैं ज़माने तालिब इल्मी से इस शेर से वाकिफ़ हूँ। वो ऐसा नहीं है कि यहाँ लिखा है तो मैं इसको आज पढ़ के सुनाने लगाऊँ और इसकी तशरीह बयान करने लगाऊँ। इसकी तशरीह मेरा आज का मौजू है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि शायर हमारा है, शायर मशरक, और हमें अपने शायर मशरक की शायरी नहीं आती। अगर शायरी आती है हम तकरीरों में कोट कर लेते हैं, मानी और मफहूम से वाकिफ कोई नहीं। हालत ये है कि एक ज़माना सीओ एजुकेशन साहब, मैं DSD पढ़ाता रहा और बेशुमार हमारे जो एजुकेशन के लोग हैं उनका मेरा वास्ता DSD में, QED में रहा, 2010 से 2017। और बड़े दुख के साथ ये कहूँगा कि एक बड़ी तादाद पढ़ाने वाले तबके की भी, वो भी वाकिफ नहीं खुद ही क्या होती है, वो भी जो खुद ही की तारीफ करती है वो खुद ही कर देती है, वो खुद ही नहीं होती। सो मैं इकबाल से, मेरा मानना ये है, इकबाल का ये फरमान था, इकबाल के पास एक साहब आए, उन्होंने आके कहा कि आपका कोई शेर ऐसे रखा और कहा मुझे समझ नहीं आया, उसमें कलंदर का वर्ड था, इसमें भी कलंदर का वर्ड, इस शेर में भी कलंदर का वर्ड। तो इकबाल से कहा कि मुझे ये शेर समझ नहीं आया। इकबाल ने कहा ये शेर समझने के लिए कम अज़ कम आधा कलंदर होना पड़ता है, उसके बगैर ये शेर समझ नहीं आता। यानी आप आधा कलंदर हुए बगैर किसी कलंदर की बात को नहीं समझ सकते। चोर चोर को पहचान जाता है, नमाजी नमाजी को पहचान जाता है, शराब पीने वाला शराब पीने वाले को पहचान जाता है। स्मोकर के हाथ का लेटर माचिस बता देती है, उसकी उंगलियां बता देती हैं स्मोकर है। किताबों से इश्क करने वाले की अदा बता देती है किताब से इश्क करने वाला है। इवन के मैं कहता हूँ गुनाहगार का चेहरा और अंदाज मुतलाशी होता है गुनाह का, हया वाले की निगाह बता देती है वो हया वाला है। तो इकबाल के अशार, मैं उसे तो बल्कि एक मैसेज समझता हूँ जो इकबाल के ज़रिए हम तक पहुँचा। और ये शेर जिसमें इकबाल कहीं ना कहीं हमें बताना चाह रहे हैं, यहाँ मैं कलंदर को भी मोमिन पे ले जाऊँगा और आसान कर दूँगा, क्योंकि कलंदर भी हमारे यहाँ झूले लाल ज़्यादा हो चुके हैं और हम जिनको कलंदर, हमारी डिक्शनरी सर बड़ी अजीब है। साईं का वर्ड सिंध में रिस्पेक्टफुल है, पंजाबियों में इंसल्ट है, ठीक है जी। तो मेरे एक दोस्त थे वो सिंधी थे, मेरे घर आए तो मेरे छोटे बेटे को मिला, जैसी बेटा तो बेगम भी बैठी थी, उन्होंने कहा साईं, तो मेरी बेगम माइंड कर गई, उन्होंने कहा साईं लगता तेनों, उन्होंने कहा मैं तो साईं अदब से कहा है, उन्होंने कहा नहीं साईं का मतलब होता है डफर, सिंध में जाए आप किसी को साईं कहें, उनके कहा बड़ी रिस्पेक्ट की है। तो हमारे यहाँ जो कलंदर का वर्ड है वो भी सिर्फ महदूद हमने कर दिया चरसियों तक, कलंदर के वर्ड को भी हमने कहीं कोमाज में कर दिया कि जो नशई है वो कलंदर होता है, जो टुन होके कहीं गिरा हुआ है वो कलंदर होता है। हालांकि इकबाल के यहाँ कलंदर का बड़ा वाजिया मतलब था, और इकबाल जो कलंदर की बात कर रहा है वो तो अशार में कोट करते हुए कह रहा है कि पानी पानी कर गई मुझे कलंदर की ये बात। वो कलंदर को रिंद के मानों में लेता है, वो कलंदर को आज़ाद शख्स के मानों में लेता है, वो कलंदर को उस शख्स के
शक्ल में लेता है, उस तसव्वुर में लेता है जो सिर्फ और सिर्फ सजदे लाजिम है कि खुदा को मानता है, रब को मानता है और किसी को नहीं मानता। वो किसी पाबंदी का कायल नहीं है, वो किसी तरह के किसी ऑब्सेशन का कायल नहीं है, वो नफ्स की आमेजिश से निकल चुका है। उस पे वो जो नीड और ग्रीड का फलसफा है और मैस्लो की हायरार्की, उसकी पीक लागू हो चुकी है। वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के उस मकाम पे है कि जहां पर जरूरत, ख्वाहिश, तमन्ना, लालच, हवस, कीना, बुगज, ये सब चीजें पीछे रह गई हैं और वो इससे ऊपर जाके इलीट हो चुका है। और इलीट होने के बाद वो इतना रिंद हो चुका है, इतना आजाद हो चुका है कि इकबाल कहता है कि जो कलंदर है, मोमिन है, वो दिन रात का हिसाब करने वाला है, दिन रात उसको नहीं चलाते। वो उस मकाम पे पहुंच जाता है कि रात क्या है, दिन क्या है, ये मैटर नहीं करता। कीपिंग योर माइंड, इस पूरी कायनात में रात और दिन का तसव्वुर रिलेटिव है। मैं आपको रिलेटिविटी पे थोड़ी सी पढ़ा देता हूँ। ये दिन जो 24 घंटों का है, जिसमें एक हिस्सा रोशनी का है और एक हिस्सा रात का है, और ये दिन जो 7 हफ्तों के बाद एक हफ्ता मुकम्मल होता है, 7 दिन होते हैं, तो फिर 7 दिन के मुकम्मल होने पे हफ्ता हो जाता है, 30 दिन, 31 दिन, 28 दिन मुकम्मल होते हैं तो महीना हो जाता है, साल के 365 दिन होते हैं तो साल मुकम्मल हो जाता है, 60-70 साल गुजरते हैं तो जिंदगी मुकम्मल हो जाती है। ये एक रिलेटिव टर्म है। इसमें सूरज का निकलना रोशनी है, सूरज का गुरूब होना, हालांकि गुरूब के वक्त में सूरज कहीं और निकल चुका है। इस वक्त जो ऐन दिन का वक्त है और दिन के 1:20 हुए चाहते हैं, इसी वक्त में ऐन किसी जगह पे तहज्जुद का वक्त भी हुआ पड़ा। ये रिलेटिव टर्म है। किसी वक्त किसी जगह पे सूरज निकल रहा है, कहीं पर दरमियान में है, कहीं गुरूब होने वाला है, इसी वक्त रिलेटिव टर्म है। इकबाल कहते हैं जो कलंदर है, मोमिन, जो अल्लाह का बंदा है, वो पाबंद नहीं है दिन और रात का। वो दिन और रात के तो हिसाब कर लेता है, दिन और रात तो उसके खादिम है। अल्लाह ने इसको इतनी जुर्रत बख्शी है कि वो दिन और रात को कैलकुलेट करके बताता है दिन क्या होती है और रात क्या होती है। मैं इसको जरा आज साबित करना चाहूंगा, इसका मतलब क्या है। आज साइंस यहां पहुंची है, जरा दिन और रात के हिसाब का अंदाजा लगा लीजिए। आज साइंस यहां पहुंची है, दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जो गलत फैसले हैं वो दोपहर 2 और 4 बजे के दरमियान में हुए। यानी मोस्ट ऑफ द डिसीजंस जो इंसानों के गले पड़े हैं और वो क्या पड़े हैं, गले पड़ने के बाद पछतावा बन गए, उनमें से ज्यादातर फैसले दोपहर 2। और आज डाटा वहां चला गया है, वो बताता है कि ये दिन का तवील होना उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है। रोशनी का ज्यादा होना गर्मियों में और तवील दिन 22 जून होना या 26 जून होना, इसके पीछे रीजन क्या है। ये सर्दियों की कुछ जो दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं, साइंटिफिक दलील क्या है, ये मोमिन को पता है। मोमिन टाइम एंड स्पेस से आजाद है। टाइम एंड स्पेस का कॉन्सेप्ट रिलेटिव है, मोमिन के लिए वो नहीं है। इस वक्त पूरी कायनात में दिन है या रात, आपको पता ही नहीं इस बात का। दिन तो इस दुनिया में, रात तो इस दुनिया में है। इकबाल फरमाते हैं मोमिन के लिए कायनात है, अल्लाह ने कायनात उसके लिए बनाई, और ये पूरी कायनात मालिक उसका अल्लाह, जिसमें कितनी गैलेक्सीज हैं, जिसमें कितने सोलर सिस्टम हैं, जिसमें कितने सियारे हैं, जिसमें कितने सितारे हैं। मोमिन जो है उसके लिए टाइम एंड स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, ना रात उसके लिए ना दिन उसके लिए। अगली बात इकबाल फरमाते हैं, इकबाल कहते हैं कि ये जो दिन है इसकी कंपोजिशन से ये नहीं बना, दिन नहीं डिसाइड करते। मोमिन ये नहीं कहता आज का दिन बुरा है, ये ईमान वाले का जुमला नहीं होता। ईमान की कमजोरी की निशानी ये, आज का दिन बहुत पैड़ा सी मेरा, ये मोमिन का जुमला नहीं है। ईमान वाले का जुमला ये होता है कि सब दिन मेरे अल्लाह ने तख्लीक की, सब दिन एक जैसे हैं। मैं यहां तक आपको बता रहा हूं, ऐसा मुमकिन है आज आपके घाटे का दिन हो और किसी और दिन में आपको पता लगे उस दिन प्रॉफिट हुआ था। ऐसा मुमकिन है कि आज आप कह रहे हो मेरा नफा हो गया, और इसी दिन को याद करते किसी और दिन आप कह रहे हो मेरा नुकसान उस दिन हुआ। ऐन मुमकिन है आज के दिन आप कह रहे हो मेरी गुड लक है, फलाना मुझे मिल गया, और ऐन मुमकिन है कि चंद अरसा, कुछ ही अरसा के बाद आप कहें उस दिन वो गले पड़ गया था।
عین ممکن ہے جس کو آپ بڑا بہترین مان رہے ہیں, قرآن کے الفاظ میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو تم پسندیدہ سمجھ رہے ہو عین ممکن ہے نقصان. یہ سب چیزیں ریلیٹو, کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے. تو ایام دن ڈیسائیڈ نہیں کرتے مومن کون ہے, دن ڈیسائیڈ نہیں کرتے کلندر کون ہے, دن ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا. دن ڈیسائیڈ کرنے کی بجائے مومنٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے اپنے نصیب کو لکھنے کا. دنیا کی کسی مخلوق کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا. مجھے بتائیے ایک کاؤ کی تقدیر کیا ہے, زبان, ایک مرغے کی تقدیر کیا ہے, یا بانگیں دے گا یا اگلی نسل پیدا کرے گا اور کسی دن ذبح ہو کے ایک ہانڈی بن جائے. مومن کا نصیب ایسے نہیں ہے, مومن ڈیسائیڈ کرتا ہے. اسی لیے ورائٹی کیا ہے, کوئی انسان عیدی بنتا ہے, کوئی اقبال بنتا ہے, کوئی جنا بنتا ہے, کوئی اشفاق صاحب بنتا ہے, کوئی بلے شاہ بنتا ہے, کوئی ایڈیسن بن جاتا ہے, کوئی ہیمنگ وے بن جاتا ہے, کوئی پروفیسر ہے, کوئی ٹیچر ہے, کوئی پولیس میں ہے, کوئی پڑھا رہا ہے. یہ جو ورائٹی ہے انسانوں کی کیوں ہے, اللہ نے واحد مخلوق ہے انسان جس کو دو نصیب دی ہیں. کتنے نصیب؟ نصیب کے دو حصے دیے. ایک وہ نصیب ہے جو فکس ہے, اسے علماء نے کہا ہے تقدیر جامد, اور دوسرا کمال یہ کیا کہ اسے تقدیر مولک دے دی, ویریبل لک. دنیا کی سب مخلوقات کی صرف ایک تقدیر ہے, وہ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر جامد. وہ پیدا ہوتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں. انسان کے ساتھ ایسے نہیں, یہ پیدا ہوتا ہے, یہ گرومڈ ہوتا ہے, اس کے لیے ادارے ہیں, اس کے لیے اسکول ہے, اس کے لیے کالج ہے, اس کے لیے یونیورسٹی ہے, اس کے لیے ٹریننگ کے ادارے ہیں. ایون کہ یہ سی ایس ایس کر لے اگر تو اس کے مڈ کیریئر کورس آ جاتے ہیں, اس کے ایس ایم سیز آتے ہیں. یہ فوج میں چلا جائے, یہ ککول سے شروع کرتا ہے, یہ اسکول آف انفنٹری پہنچتا ہے, یہ اسٹاف کالج پہنچتا ہے, یہ این ڈی یو میں جاتا ہے, یہ پھر اس کے بعد باہر پڑھنے جاتا ہے, یہ جج بن جائے اس کی پھر گرومنگ ہوتی ہے, یہ ٹیچر بن جائے ایک ٹرپل ایس آتا ہے وہ کیو اے ڈی چلا جاتا ہے, وہ اور سینئر ہو جاتا ہے, اس کی پھر ٹریننگ ہوتی ہے, ایک لیکچرار بھرتی ہوتا ہے, پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کہتا ہے ٹریننگ, باہر سے اسکالرشپ ملتی ہے, وہ باہر پڑھنے چلا جاتا ہے. یہ واحد مخلوق ہے انسان جو اپنی سوچ بدلے, ترتیب لکھ لیجیے گا, سوچ بدلے, نظریہ بدلے, عادت بدلے, اسٹینڈرڈ بدلے, انسپریشن بدلے, تو اس کی تقدیر بدل جاتی. یہی وجہ تلوار اٹھا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے والے عربی بدو جب تلوار گرا کے قدموں میں گرتے تھے تو اٹھتے تھے صحابی ہو جاتے تھے. یہ کلمے کی طاقت ہے, یہ سوچ بدلنے کی طاقت ہے, یہ کمٹمنٹ کی طاقت ہے, یہ مومن کی پہچان ہے. مومن ڈیسائیڈ کرتا ہے تو 70 سال کا کفر ایک طرف ہوتا ہے اور کلمہ ایک طرف ہوتا ہے. مومن ڈیسائیڈ کرتا ہے, جب مومن طے کرتا ہے کہ میں نے نصیب خود لکھنا ہے, کیونکہ خدا نے بندے کو یہ طاقت دی ہے, تقدیر مولک دی ہے, جس کی وجہ سے انسان ڈیسائیڈ کرتا ہے میں نے کدھر جانا ہے. میں کیونکہ اس وقت موجود ہوں ننکانہ میں, اس جگہ پہ جہاں اور آج سے کئی سو سال پہلے گرو نانک آئے تھے, میں انہی کے واقعے سے آج کے لیکچر کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں. مورخ لکھتے ہیں کہ بابا کے پاس, گرو نانک کے پاس کچھ بچے آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے. یہ واقعہ میں نے باہر یو کے میں بھی سنا ہے سکھوں. ان بچوں نے ہاتھ میں چڑیا کا چھوٹا سا بچہ پکڑا ہوا اور ہاتھ ان کے پیچھے تھے ایسے, اور اس کو دبایا ہوا تھا اس کی چونچ کو بھی کہ بولے نہ. اور انہوں نے سوچا کہ نانک سے پوچھیں گے تو نانک بتائے گا ہاتھ میں کیا ہے. اللہ والوں کو اللہ علم دے دیتا ہے نا, غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے, لیکن آنکھیں سوجی ہوتی ہیں تو نیفرولوجسٹ بتاتا ہے گردے خراب ہیں. علم ہے, علم ہوتا ہے. کلاس کا ٹیچر جس کے بال سفید ہو چکے ہیں اسے شکل دیکھتے پتہ لگ جاتا ہے یہ ہے شرارتی, ترقی بہت کرے گا. اس کو پتہ لگ جاتا ہے یہ ادب اوپر سے کر رہا ہے, ہاتھ چوم رہا ہے, انتہائی منافق ہے. وہ اتنا شرارتی سے نہیں ڈرتا جتنا منافق سے ڈرتا ہے. تجربہ ہو جاتا آخر کار کہ مرشد کہنے والے کے پیچھے انٹینشن کیا ہے, وہ صرف وائوا پاس کروانا چاہ رہا ہے. تو حضور والا نانک علم والے تھے, خدا نے ان کو علم دیا. تو بچے آ کے کھڑے ہو گئے اور ایک بچے نے ایسے ہاتھ پیچھے کیا ہوا,
कहा कि नानक पहला सवाल तो ये था, अब उनकी चालाकी ये थी, पहला सवाल ये था हमारे हाथ में क्या है, तो अगर बता देंगे चिड़िया है तो फिर अगला सवाल करेंगे मुर्दा है कि जिंदा, अगर कहेंगे जिंदा तो हम पीछे से ही दबाएंगे मर जाएगी, और अगर कहेंगे मुर्दा हाथ छोड़ेंगे उड़ेगी कि हम कहेंगे जिंदा, तो नानक का इलम यहां शायद रह जाएगा, उनका ख्याल ये था। नानक फिर नानक था, ऐसे ही गुरु नानक तो नहीं होंगे। तो नानक ने बच्चों को देखा मुस्कुराती आंखों के साथ, बच्चों ने सवाल किया कि हमारे हाथ में क्या है, तो नानक ने कहा चिड़िया। ने कहा जी मुर्दा या जिंदा, उन्होंने काटा और एक बात कही जो कि इस शेर की तशरीह है। नानक ने कहा ये चिड़िया तुम्हारा मुस्तकबिल है, चाहो तो बचा लो चाहो तो मार, तुम्हारे हाथ में, आज का दिन तुम्हारे हाथ में, तुम सब ननकाना वालों के पास, आज डिसाइड करो कल क्या होगा, अल्लाह ने इख्तियार तुम्हें, दिनों को हफ्तों को महीनों को सालों को डिसाइड ना करने दो आने वाला वक्त कैसा, हालात को इजाजत ना दो, हालात तो सबके एक जैसे ही होते हैं, मैं भी एक गरीब घर में पैदा हूं, मैं भी ट्यूशनें पढ़ाता रहा, मैं भी एक स्टेनोग्राफर का बेटा हूं, हालात तो मिलते जुलते होते, हालात से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हालात आपको मिले हैं उस पर आपका रद्द अमल क्या है। इसलिए पिछली पूरी सदी का जिम रॉन्स का सबसे बड़ा जुमला मैं कोट करके अपने लेक्चर को ख़त्म कर दूंगा। जिम रॉन्स कहता है इंसान दुनिया की वाहद मखलूक है जिसके साथ होने वाला वाक्या नहीं बताता आने वाले दिन कैसे, बल्कि उस वाक्य पर रद्द अमल बताता है कि आने वाले दिन कैसे। मेरी दुआ है अल्लाह ननकाना को आबाद शाद रखे, अल्लाह आप सबको एक शानदार मुस्तकबिल दे। मेरी दुआएं हैं, ये यूनिवर्सिटी बन गई है, नई यूनिवर्सिटी है, मेरे लिए बड़े एजाज की बात होगी इस यूनिवर्सिटी की खिदमत का मुझे मौका मिले। इस यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे हैं सर अभी जो पढ़े, मेरी तरफ से ये 631 बच्चों को सबको एक एक किताब में गिफ्ट कर रहा हूं, और ये किताब आप लाहौर से क्योंकि हर हफ्ता आ जाते हैं तो आप नेक्स्ट वीक जब आए तो आप अपनी गाड़ी में 631 बड़े आराम से किताबें आ जाएंगी। फैकल्टी कितनी है जी, 36 है, 36 को किताबें आज ही हम दे देंगे, इतनी तो है हमारे पास। और मेरी दुआएं हैं, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैंने अभी ख्वाहिश का इजहार किया, ऐलानियां भी कर देता हूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इस यूनिवर्सिटी में मीडिया का डिपार्टमेंट जरूर बने, दो डिपार्टमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट, एक मीडिया का और दूसरा कंप्यूटर साइंस आईटी का, अगर है तो आपके आईटी के डिपार्टमेंट को, मैं एक ग्रुप को सर्व भी कर रहा हूँ, वो बच्चे का ताल्लुक भी ननकाना से है, तो मैं स्कॉलरशिप को इंश्योर करता हूँ और आपके जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं उनकी जॉब्स का भी मैं वादा करके जा रहा हूँ इंशाल्लाह। लेकिन आप सब जहन में रखिएगा मुझे वोट नहीं डालना, क्योंकि मैं कौन सा इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझे वोट नहीं चाहिए आपका, वोट उन्हीं को डालें जिनको आप डालते हैं। दूसरी बात, अगर मीडिया का डिपार्टमेंट सर आप बनाते हैं तो मैं ऑनरी उसको एडवाइस करने को तैयार हूँ, मुझे उसके कोई चार्जेस नहीं चाहिए होंगे, मैं हमेशा हाजिर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान।